कल डिस्कस की, मैंने और ऐश ने पैसे के बारे में, यस पैसे के बारे में पहली बार हम लोगों ने कुछ खुल के बात की। बहुत खुश थे कि लोगों को पैसा आने वाला है, एंड वो चाहते हैं कि लोगों के जेब में मैं पैसा डालूं। एंड सारी बात तो मैं खुल के नहीं बता सकता, बट एक दो एग्जांपल्स देता हूं आपको कि यस पे स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई थोड़ी बहुत, वो हम पूरी नहीं करेंगे, बट उन्होंने कहा कि जब $1 70-80 रुपए से मल्टीप्लाई होने वाला है तो देखिए क्या कुछ होने वाला है। ओके, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा एक मतलब कि बातें हुई मेरे साथ। हम सारी बात तो नहीं शेयर करते, बट उनको मालूम है कि इंडिया में अगर हमें, मैंने तो वही ऐश को बोला कि ऐश मतलब कि हम उस सिचुएशन में है अभी, हम तो हमें तो थोड़े थोड़े पैसे भी आते रहे, हम तो उससे भी गुजारा कर लेंगे हम इंडिया में, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन होगी डॉलर की तो चाहे तो मैंने कहा मतलब कि डेली का 500 रुपए भी एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए ना कहीं से जिंदगी में, तो वही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वही आज कहता है कि अगर $10, $15, $15, $20, $20 इधर उधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहा है, तो ऐसे वो बात कर रहे थे बेसिकली। एंड उन्होंने बोला कि नौ गुरु मल्टीप्लाई दिस विद 80 रुपीज और 75 रुपीज जो भी है, तो देखो क्या होने वाला है। तो जिनकी टीम्स नहीं है, जो कहते हैं कि मेरी टीम नहीं, तो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, और जिनकी टीम्स हैं तो जब वो मल्टीप्लिकेशन की बात उन्होंने की तो फिर वो बोलते हैं देखो अब आपको मालूम है कि आप जब मल्टीप्लिकेशन में जाओगे तो कितना अच्छा ये चीज हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छी एक कन्वर्सेशन थी बेसिकली उनका। थैंक्स, मतलब कि आपके भी आप पे मैंने बोला कि आपको सारे इंडिया ने बेस्ट विशेस दी है आपके बर्थडे के लिए, एंड रियली वो इमोशनल थे इस बात को सुन के कि यस कि ऐसा कुछ हुआ है, राइट? तो बाकी एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। ओके, एंड फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी थोड़ी सी बात हुई, एंड ही वाज सो हैप्पी कि फाइनली वी डिड इट। और वही बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे हमें ऐसे, तो उन्होंने बोला कि इतनी सारी कंप्लायंस होती हैं फीफा के साथ, अगर काम करना है आपको बहुत सारी चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती हैं। तो अगर कोई भी लोग ऐसे ऐसे ही सोचते थे कि हम फालतू की कंपनी है, तो उनको शायद मालूम है इतने बड़े ब्रांड के साथ, फीफा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एंड उसके साथ अगर कुछ करना है एंड तो बहुत सारी हमारी डॉक्यूमेंटेशन लगी है, तो इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम उस लेवल पे हैं बेसिकली।